फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, नवादा में 108 फीट का जो भगवान बुद्ध का प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, वह अभी कहां तक पहुंचा है, उसके बारे में क्या अपडेट है और निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, आप अपडेट अगर आपको चाहिए तो आपको अपने वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। ये 2 दिन पहले का अपडेट है, हमने रिकॉर्ड किया, उसे वीडियो शूट किया और आपको दिखाना चाहते हैं कि काम कहाँ तक हुआ है और कब तक खुलने की संभावना है। चलिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं की हुई तो शेयर जरूर करिए। चलिए, हमारे वीडियो के साथ देखिए और पूरा समझिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपको बताते हैं कि नवादा में जो 108 फीट के भगवान बुद्ध का प्रतिमा बन रहा है, वो अभी कहाँ तक पहुँचा है। आप देख सकते हैं, ये ताज़ा अपडेट है आज का। अभी तक कितना निर्माण हुआ है आपको बता दे रहे कि ये हिसुआ से आप गया रोड पे जाते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग के पास में यह मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। 108 फीट का यह मूर्ति है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह जो मूर्ति है यह सबसे बड़ी मूर्ति कही जा रही है। लेकिन अभी निर्माण कार्य जो है अभी अधूरा है, पूरा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और देख सकते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा काफ़ी ऊँची, यह भगवान का जो प्रतिमा बनाया जा रहा है। ये बता दें कि अपने ज्ञान का साक्षी पृथ्वी को मानते हुए, भूमि का स्पर्श करते हुए बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति बनाई जा रही है। यहाँ पे इसमें भगवान बुद्ध जो है अपनी आँख बंद किए हुए हैं, उन्हें वज्रासन दिखाया जाएगा। किस तरह से ये किस मुद्रा में आँख बंद है, यहाँ तो आप देख सकते हैं निर्माण कार्य जो चल रहा था वो चल ही रहा है। लेकिन अब बात रही कि यह कब तक पर्यटन के लिए खोला जाएगा, तो यह अभी कंफर्म नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत सारा काम अधूरा है। पर्यटन के लिए अभी फिलहाल तो जो देख रहे हैं उसे नहीं लगता कि पर्यटन के लिए खोला जा सकता है अभी। प्रतिमा में अभी काफ़ी काम बाकी है। अब देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की आँख के पास में कुछ चिपक गया है, शायद वो मधुमक्खी का छत्ता है जो वहाँ पे लगा दिया है, और उतना ऊंचाई पे जाकर के उसे साफ करना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ताज़ा अपडेट आपको बहुत जल्द देते रहेंगे HYNews YouTube चैनल।